हर हर महादेव दोस्तों, आज की कहानी आपको बताएंगे एक राजा और पत्थर की कहानी। आइए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। वो पत्थर के नीचे सोने के मोहरे की थैली रख देता है। पत्थर को रास्ते में रखने के बाद वो चुप कर देखते रखता है कि कौन इस पत्थर को हटाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और रास्ते में उस बड़े पत्थर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद राजा के दरबार के कुछ मंत्री उस रास्ते पर आते हैं और रास्ते में पड़े उस पत्थर को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग आपसे में बात कर रहे होते हैं कि राजा अपने राज्य का ध्यान अच्छे से नहीं रखता, उसके राज्य के रास्तों में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी सारी बातें राजा चुपकर सुन रहा होता है। वो मंत्री भी बिना पत्थर हटाए वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां एक सब्जी वाला आता है, जिसके पास सब्जियां होती हैं। वो रास्ते में पड़े पत्थर को देखकर अपनी सब्जियों को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने लगता है। काफी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को हटा देते हैं। पत्थर के नीचे उसे मोहरे की थैली मिलती है और साथ में एक चीटी भी मिलती थी, जिसमें लिखा होता है कि ये मोहरे पत्थर हटाने वाले के नाम राजा की तरफ से। वो सब्जी वाला बहुत खुश होता है। राजा ये सब देख रहा होता है। वो सब्जी वाले से आकर मिलता है और उसे इस काम के लिए शाबाशी देता है तथा उस सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास पद पर नियुक्ति कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती हैं। इसीलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफल बन पाएंगे।